बातें चल रही है, अकेले अकेले कुछ मेरी बुराई हो रही होगी पक्का। नहीं, मैंने क्या बुराई करनी, मैंने तो क्या बुराई करनी, मैं तो वही कर रहा हूँ, ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ। तू बिजी थी आरवी को पढ़ाने में, तो सोचा मैं उन देर ब्लॉग को एंड कर दे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश खैरियत होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, खुश खैरियत है। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऋषि आंचल व्लॉग्स में। तो जी, आज की ठंडी ठंडी सुबह शुरू हो चुकी है। एक्चुअल में क्या है कि आज जो है मौसम विभाग ने प्रिडिक्शन कर रखी है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम बहुत ख़राब रहेगा, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी और निचले क्षेत्रों में बारिश होगी। तो आज से सुबह इसका असर देखना शुरू हो गया, इधर उधर काफ़ी ज़्यादा बादल आ गया और ठंडी ठंडी सुबह है। तो सुबह सुबह हम लोग चले थे थोड़ा बहुत सामान लेने किचन का, यहाँ साथ वाली मार्केट तक, साथ ही ले गए थे अर्शिव को भी। तो जैसे कैसे करके हमने अर्शिव को बहला फुसला के अपनी बातों में ले आए और आज अर्शिव की फाइनली कटिंग हमने कर ही दी। तो अर्शिव ने बड़ी मुश्किल से कराने दी, पहले तो रोने लगा, फिर जैसे कैसे करके मान ही गया और आज हमने उसके बाल काट दिए हैं। तो वहाँ पे इतना भी टाइम नहीं लगा कि हम व्लॉग शूट कर सके, क्योंकि सब कुछ इतना अचानक से हुआ। तो हमने सोचा कि पहले मेन काम कर ले कि इसके बाल कटाने बहुत ज़रूरी है, बड़ी मुश्किल से तो माना है, वरना अपने बालों में तो ना बिल्कुल भी छूने नहीं देता, पता नहीं इसको क्या हुआ। पहले तो आराम से कटवाने लगा, 2-3 बार कटवाने दिए, अब तो इस बार तो बहुत ज़्यादा किया, पर जब एक बार काटने लग गए तो उसके बाद ये नॉर्मल रहा, फिर इसने कुछ नहीं किया, उसके बाद इसने कटवाने दिए। तो अभी आज चलेगी अर्शिव को नहलाने और आज साथ ही आरवी को जल्दी छुट्टी हो गई, क्योंकि आज आरवी है बहुत ज़्यादा मायूस हुई हुई। तो देखते हैं आरवी मायूस क्यों है, आरवी से पूछते हैं, बेचारी उसका आज पूरा मुंह उतरा हुआ है, आज बहुत दुखी है, तो उसकी दुखी होने का कारण पूछते हैं क्यों। हाँ आरवू, आ गए आप स्कूल से? तो आज आरवी को जल्दी छुट्टी हो गई थी, आज जल्दी क्यों छुट्टी? क्योंकि आज हमारा एक पेपर था और आज हमारी प्रिंसिपल मैम भी। तो आज आरवी का था कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कैसा हुआ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम? अच्छा हुआ, अच्छा से हो गया। तो आज है आपके मैम रिटायर, तो आरवी मायूस हुई भी है, आज आरवी के प्रिंसिपल मैम रिटायर हुए। क्या नाम है मैम का? मिसेस सुनीता जॉन। तो मिसेस सुनीता जॉन मैम जो है आरवी के प्रिंसिपल, वो रिटायर है आज। तो आपको बहुत दुख हो रहा है? कितना मिस करोगे? बहुत ज्यादा। अच्छा, कितने अच्छे लगते थे वो आपको? बहुत 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 ज्यादा। अच्छा, इतने अच्छे मैम थे। तो चलो बेटा, क्या करना, अब उन्होंने इतने साल अपने जो इतना सारा काम किया है, तो रेस्ट तो उनको मिलना ही था, है ना? अब उनको रेस्ट का टाइम होगा, क्योंकि अब वो बूढ़े हो रहे, तो बुढ़ापे में तो रेस्ट चाहिए ही है। ओके, तो चलो आप भी जल्दी से अब यूनिफॉर्म चेंज करो और फिर रिलैक्स हो जाओ। तो जी, एक बार फिर से सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। ये देखो आंचल हो रही है फिर से तैयार, हर बार इसी पोजीशन में आपको दिखाता हूँ। तो आज आंचल हमारे को छोड़ के जा रही है, हम तीनों को यहाँ पे, और खुद जा रही है घूमने, हमारे को साथ नहीं ले जा रही। हर रोज़ रोज़ ये बोलती थी ना कि ऋषु आते हैं, तैयार होते चले जाते, मेरे को कहीं नहीं ले जाते, लेकिन आज देखो ये आज अपने आप खुद चल पड़ी और हमारे को एक बार भी नहीं बोला कि तुम भी चलो गुजार, तुम आपको भी घुमा के ले। सही बात है, इनको तो यही रखते हैं घर में, ऐसी खतरनाक चीजों को बाजार नहीं ले जाना चाहिए। नहीं, ये इतनी खतरनाक नहीं है जितने अच्छे में। इसका ऐसा होता है ना, हॉर्स राइडिंग करके इसका मन भर जाता है। अगर ना आपके एग्जाम अच्छे अच्छे होंगे, आप खूब मेहनत करोगे, फिर आप जहाँ बोलोगे चुपचाप से पिज्जा लाना। हाँ, वो भी डोमिनोज का। हाँ, डोमिनोज का पिज्जा लाना, बहुत टाइम से नहीं खाया है। नहीं, हमने टेन डेज पहले खाया। 10 डेज पहले थोड़ा थोड़ा धुंधला सा याद है अरवी, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा याद नहीं रहती, खाने के बारे में मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला सा ऐसा लग रहा है शायद खाया जैसा था। आपको है कुछ ध्यान? नहीं। तो मुझे भी इतना ज़्यादा याद नहीं है। और तो क्या, 2 साल पहले खाया था मम्मी, 2 लाख साल। आज आपको दुख नहीं हो रहा, आज आप पिज्जा पार्टी कर रहे हो अपने प्रिंसिपल मैम की रिटायरमेंट की शोक में, आपको आज आज आप पिज्जा खा रहे हो यार, आज तो आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए। ब्लॉग देखे कि आज हाँ, तो पिज्जा पार्टी कर रही है मेरे रिटायर होने पे। हाँ, ये देखो जी अर्शिव बाल काट के कितना सुंदर लग रहा है, प्यारा प्यारा जो लग रहा है ना। कहाँ जा ले? मम्मा साथ सुनो, मैं ना अभी दीदी के स्कूल जाके आती हूँ, अब भी आती हूँ मैं, ठीक है?
मैं छोटी दादी के साथ जा रही हूँ। ओके ओके, आपके लिए क्या लेके आना है? कौन सी वाली? बहुत सारी। अच्छा अच्छा, आपके हेयर गए कहाँ आज? आपके हेयर कहाँ गए? ममो गए? चुंदर चुंदर दिख रहे हो आज आप, बहुत है ना, लग रहे है ना चुंदर चुंदर। इधर तो देखो, यहाँ तो बताओ, यहाँ तो बताओ कैसे 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 काटे आपके हेयर? अच्छे अच्छे करके भर्र, कैसे चली मशीन? तो जी अंचल जी चल पड़े हैं घूमने फिरने, बहुत सारी चीजें लाना हमारे लिए। ओके बाय। चाची हो गए तैयार है? ओके बाय। तो ये देखो जी, चाची भी रेडी हो चुके हैं मार्केट के लिए। और ये नंगे पैर भाग गया बाहर। वो चल 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 अंदर। ओके बाय। चीजें लाना हमारे लिए बहुत सारी है ना जी। बाय कह दो। तो ये देखो जी, दोनों बच्चे अब अपने आप खेल रहे हैं। अर्शिव गाड़ी के साथ खेल रहा है, आर भी खेल रही अपनी हुला हॉप के साथ, साथ में देख रहे हैं टीवी। तो मैं लगा हुआ था अपने काम में इन लोगों के लिए लंच तैयार करने, तो आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो जी, चपाती लगा रहा था तो सोचा ब्लॉग में भी दिखा दूँ क्या कैसे कैसे दिनचर्या चली गई मेरी। और ये चावल लगा दी है, सब्जी आंचल बना के गई थी, तो मेरी बन रही है अभी इन लोगों के लिए चपातियाँ। तो जल्दी जल्दी से चपाती बना करके इनको लंच तैयार कर देता हूँ। ये मेरी गुनगुन चपाती, ये देखो। तो जल्दी जल्दी से बना देता हूँ लंच और इन लोगों को खिला, क्योंकि इनका होने वाला है अब रेस्ट का टाइम। थके हुए भी होते हैं, आगे जब स्कूल गए तो थके भी आते हैं। सुबह इसने हल्का सा ब्रेकफास्ट लिया तो भूख भी लगी है, लंच करेगी तो एक घड़ी ये भी रेस्ट करेगी, फिर इसको पढ़ाई करना है। तो अर्शिव का तो खैर होता ही है इस वक्त सोने का टाइम, इस वक्त अर्शिव सोता ही है दिन के टाइम। तो फटाफट से खाना गर्म करता हूँ और बनाता हूँ और फिर अर्शिव को ले जाते हैं सोने। ही मैंने लंच कर दिया है तैयार। तो अब देखो मैंने क्या क्या तैयार किया है। ये है छोले चावल, साथ में है इसमें दही और लस्सी, क्योंकि आजकल आरवी और अर्शिव ने पता क्या सीखा है, जब दही लस्सी अवेलेबल होती है ना बहुत सारी थोक क्वांटिटी में, तो तब तो वो ये खाएंगे नहीं, तब बोलते हैं हमारे को नहीं खाना, हमारे को नीचे, हमारे को पानी दो, है ना। जब होती नहीं है तब हमारे को तो दही खानी है, हमारे को तो लस्सी खानी है। तो ये लस्सी तब की चली हुई जब मम्मी घर से ले आए थे, तो थोड़ी थोड़ी करके बचा रखी है इन लोगों के लिए, इसी के सहारे खाते हैं। आरवी तो खैर दाल में पहले मिक्स करके वो चावल और राई, चावल और दाल मिक्स कर करके फिर उसमें लस्सी डालेगी फिर खाएगी। तो चलो खिला देता हूँ इनको खाना, बाहर वेट कर रहे हैं। तो ये देखो जी, दोनों भाई बहन बैठ चुके हैं लोटी खाने। देखो अच्छी कितने अच्छे से खाता है, वेरी गुड अच्छी। और ये देखो दोनों भाई बहन खा रहे हैं। आपको चपाती चाहिए? चपाती चाहिए, रोटी चावल ही चावल खाने? आज भी आपको चपाती दे रहा हूँ मैं। ओके चलो चपाती लो और जल्दी से फिनिश करो खाना अपना। वेरी गुड वेरी गुड। अकेले तो ज़रूर खाएगा ये, तो मैं इसको खिला लेता हूँ, वरना ये थोड़ा थोड़ा ही खाता है फिर बाकी जूठा फेंक देता है और पेट भर नहीं खाता। तो मैं जल्दी जल्दी से इनको खाना खिलाता हूँ फिर मिलता हूँ। जी किचन मैंने चकाचक कर लिया, ये देखो साफ़ सफाई करके पोछा मार के, ये देखो गैस वगैरह चमका के रख दिया। और आंचल को बोलने का थोड़ा भी मौका नहीं मिलेगा कि मैंने गंदगी फैला रखी है, बिल्कुल ओके करके रख दिया है। तो अब जाता हूँ परे, अब काम है मेरा अर्शिव को सुलाने का, क्योंकि उसका टाइम हो रहा है सोने का। तो पहले उसको सुला लेता हूँ और फिर आरवी को भी पढ़ने बिठाना है। तो करते हैं ये सब काम, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो ये देखो जी, मैंने अर्शिव को सुला दिया है और अब दूसरी हीरोइन को देखता हूँ क्या कर रही है, पढ़ रही है कि इधर उधर दौड़ रही है, क्योंकि उसको मैंने अंदर पढ़ने बिठाया हुआ था। तो ये देखो आरवी जी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? मैथ्स पढ़ रहे हैं। ओके आप टेबल याद करो बेटा, आपको टेबल याद करने को बोला हुआ मम्मा ने। तो आपका कल मैथ्स का टेस्ट है, ओरल मैथ्स का टेस्ट है, तो वो ओरल भी तो टेस्ट ही है, वो फाइनल टेस्ट। तो जल्दी जल्दी से इनको याद करो और फिर मेरे को सुनाओ, ठीक है? ओके और जोर जोर से पढ़ना, अच्छे से याद होने चाहिए, बीच बीच से पूछूंगा मैं, ओके ना? हाँ ध्यान से पढ़ो। तो जी शाम का टाइम हो चला है और ये देखो हमारे घर आए हैं गेस्ट, ये है ताई जी। तो ताई जी अभी घर से आए हैं, और ठीक है ताई जी, चेकअप कराने आए हैं। और ये देखो तूफान उठ चुका है,
तूफान जाग गया है, हर आ गया घूम के, और साथ में आरवी भी। ये थे गए छोटे दादू के घर, आगे छोटे दादू के घर से क्या क्या शरारत करके आए तुम? तो क्या किया? तो आए हुए तो ताऊ जी भी है, तो ताऊ जी अभी हॉस्पिटल गए हुए, वो पहुंचेंगे शाम तक। तो मेरा हो चुका है डिनर बनाने का टाइम, तो चलते हैं अब किचन की तरफ, करता हूँ डिनर की तैयारी। तो मैंने दाल तो पका दी थी, खुल जा। तो ये देखो जी, मैंने बनाई है आज मसर की दाल, आरवी की फेवरेट। जितनी भी पतली दालें होती है ना, वो आरवी की फेवरेट होती है। मसर की दाल, माश की दाल, दले चने की दाल, या फिर दले चने और माश की मिक्स दाल, तो ये होती है आरवी की फेवरेट। तो जल्दी जल्दी, ये देखो मैंने ये भी तैयार करके रखा हुआ है इसके लिए, प्याज लहसुन काट के और ग्राइंड करके। ये देखो, तो बस तड़का लगाता हूँ, दाल कर देता हूँ तैयार, फिर आ जाएगी सब्जी बनाने को, और चपाती वो बाद की बातें पहले कर लेते हैं। और ये मैंने फ्रूट्स काटे थे खाने के लिए, कुछ हमने खाए कुछ बच गए, तो इनको रख देते हैं साइड में, फिर खाएंगे थोड़ी देर में। तो ये देखो जी, आंचल जी भी आ गए शॉपिंग करके, घूम फिर के। कैसी रही यात्रा? रश था बाजार में? बहुत रश है। ठीक है, तो ये देखो जी, ताऊ जी भी पहुंच चुके हैं दिखा करके हॉस्पिटल से, और ये लिफाफा फट गया, जरा उसको रिपेयर कर रहे हैं। क्या बोला ताऊ जी हॉस्पिटल में आपको? हमारे को आज टेस्ट लिखे हैं, टेस्ट लिखे देने हैं। अच्छा, उसके बाद फिर टेस्ट की रिपोर्टें दिखाएंगे डॉक्टर, जो रिजल्ट आएंगे। चलो ये भी बढ़िया हो गया। और घर में सब ठीक है? ओके। ये देखो अर्शिफ फ्रूट्स खा रहा है, चिप्स और फ्रूट्स दोनों के मजे ले रहा है, और ताई जी बैठे हुए हैं गप्पे मारने। हाँ, उसका सोचने को पड़ा भाई, कल क्या होगा। हॉस्पिटल जाने का सच सोचने का पड़ जाता है। बज चुके हैं 9:30, तो हम लोग खाना वाना करके डिनर करके फ्री हो गए थे। कुछ देर ताऊ ताई के साथ बैठ के हमने मारी गप्पे, और गप्पे मार के क्या बातें चल रही है, अकेले अकेले कुछ मेरी बुराई हो रही होगी पक्का। नहीं 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 नहीं, मैंने क्या बुराई करनी, मैंने तो क्या बुराई करनी, मैं तो वही कर रहा हूँ, ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ। तू बिजी थी आरवी को पढ़ाने में, तो सोचा मैं उन देर ब्लॉग को एंड कर देता हूँ। और अकेले अकेले आज तो पक्का मेरी बुराई हो रही होगी, क्योंकि आज पूरा दिन मैंने ऋषु के ऊपर जिम्मेवारी डाली ना, और फिर अचानक से गेस्ट भी आ गए, फिर ऋषु को थोड़ा बहुत खाना भी बनाना पड़ा, गेस्ट की सेवा भी करनी पड़ी। वही बोलने वाला था मैं ना, कि मेरे को प्लस पॉइंट पता क्या रहा, कि मेरे को कपड़े नहीं थे धोने को, वरना वो एक चीज और ऐड हो जाती। चलो जैसे जैसे करके इनके साथ निपट के, बच्चों के साथ निपट के, और खाना वाना बना दिया था मैंने, जैसे जैसे इनको संभाल ही दिया था। पर आज भी बहुत चला गए, पता क्या बोलती, इसको टेबल रील लर्न करने को दिए थे आंचल ने 14 तक, मेरे को बोलती बस 9 तक ही दिए, 9 तक ही दिए। और फिर आप ऐसा बोलते हो कि ये तो बहुत अच्छी है, तो मैं ऐसी पिटाई करते हैं इसकी। बहुत खराब है। तो जी बाकी तो क्या बोलूं, बोलते हैं ना वो जिसका काम उसी को साजे, तो सही में सही बात है ये, सही में साजे, क्योंकि थक जाते हैं यार सच में, इतना सा काम करके भी, जो हमारे को आदत होती है ना बाहर के काम करने की, भाग दौड़ करने की, चलो बाहर का काम हो जाता है, तो ये घर के अंदर का काम फिर लेडीज ही संभाल पाती है, क्योंकि लेडीज के बस का होता है, हमारे बस का नहीं होता। क्या क्या करना, क्या क्या दिखता नहीं है, पर ये होता बहुत है। पर ये कि बच्चों ने ज्यादा परेशान नहीं किया, बच्चे अच्छे बेचारे अपने खेलते रहे, और अपने टाइम टू टाइम खाना खाया। आपको पता क्यों परेशान नहीं किया? हाँ? क्योंकि आप इन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, मैं लगाती हूं। हाँ, इनको बहुत परेशान करते हैं। मैं इनको खुला खेलने देता हूं, खाना खाने में ऋषु के क्या है, ऋषु के गंदगी फैलाने दो, कुछ हो रहा है, कुछ खाने को मांग रहे, चॉकलेट मांग रहे दे दो, तो फिर मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाती हूँ उसके ऊपर, इसलिए मेरे साथ इनकी ज्यादा बनती नहीं है। सही बात है। तो एकदम से चौथा भी आ गए, चलो इनके साथ भी एक मतलब हो ही जाता है थोड़ा, जब घर के लोग आते हैं ना, थोड़ा घर की फीलिंग आ जाती है, गांव वाली फीलिंग आ जाती है, अच्छा सा लगता है। तो अब सबका डिनर हो चुका है, सब अब अपने कमरे में जा चुके हैं सोने के लिए, और अर्शिव के सिवाय उसको टीवी देखने बैठाया, नहीं तो ब्लॉग नहीं बनाने देता। हाँ, और हम भी अब रेस्ट करते हैं, मैं भी काफ़ी थकी थी बाजार में, दौड़ भाग के, एक तो शिमला का जाम ही इतना होता है, उसमें ज़्यादा थकते हैं।
बाजार ज्यादा ना क्या बोलते शॉपिंग करने में, तक जितना जाम के लिए हाँ। यहाँ से बस लो, वहां से बस लो, इधर आओ बस, मतलब कि जैसे चंडीगढ़ वगैरह होता है ना, दुकान से उतरे गाड़ी में बैठे घर, घर में उतरे सीधे। यहाँ तो ना पहले तो सोचना ही पड़ता है कौन सी बस मिलेगी, कब जैसे मिलेगी, कितनी देर खड़े रहना पड़ेगा। ऐसा करते हैं हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाते हैं। चुप रहे तू, चंडीगढ़ शिमला हो जाते हैं यहाँ का खर्चा। चंडीगढ़ अपना शिमला तो अपना ही शिमला है, जो फीलिंग यहाँ की है ना वो कहीं किसी भी जगह हुई थी। तू किसी भी जगह की एक हफ्ते के लिए चंडीगढ़ शिफ्ट हुई थी, एक हफ्ते नहीं रह सकी, तो इससे ज्यादा क्या रहती। हाँ ये तो बोलने की बात होती है, पर जो शिमला है वो तो शिमला ही है, हम पहाड़ी कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते शिमला के सिवाय। तो यार ये ब्लॉग भी काफी लंबा हो गया होगा, तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा के जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि।